अब जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हैं 2020 का है क्वेश्चन, के आपको अब क्या क्या हो चुका है आपका, लेस पेयर करवा चुका हूँ, पास्चर करवा चुका हूँ, मार्शल करवा चुका हूँ, डॉर्विश एंड बाउली ये नहीं करवाया आपको, या मतलब फॉर्मूला बता दिया, फिशर आइडल मेथड करवा चुका हूँ एंड वाशिस मेथड। चलिए अभी इसमें पहले हम ये करते हैं, दिस वन सभी मेथड के क्वेश्चन करवा दूंगा ना आपको मैं, तो बेहतर से हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस आप करते रहिए इसके। हाँ जी, तो सबसे पहले आपके पास पे डार्विश या फिर बाउली मेथड, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। डार्विश आपको अगर निकालना है P01 डार्विश का, तो आप कैसे निकालेंगे, क्या होता है लेस पेयर प्लस पास्य डिवाइडेड बाय 2 × 100। क्लियर है बच्चे, सुनवाए आपको। अब देखेंगे यहाँ पर बहुत सिंपल है, तो लेस पेयर क्या होता है आपका P01, लेस पेयर क्या रहेगा आपका P1 Q0, दोनों का अगर याद करने का तरीका ये है कि समीशन P1 P0, ये बेसिकली क्वांटिटी पे फोकस करता है लेस पेयर, और पास्य पास्य क्या होता है समीशन, ये भी रहेगा P1 P0, और ये करंट डेरी क्वांटिटी पे फोकस करता है, सम अपॉन 2 × 100। तो यहां पर ही मुझे चार टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, ये हो गया एक, ये हो गया आपका दो, उसकी इतनी जरूरत है नहीं, दो, ये हो गया आपका 3 4, अब देखो बच्चे। हाँ जी, देखो समीशन क्या निकालो, पहले P1 एंड, पहले समीशन तो बाद में निकलेगा, पहले आप करो P1 एंड Q0। अब देखो ये बच्चे आपके पास बेस ईयर है P0, बेस ईयर है Q0, करंट ईयर है P1 एंड Q1, लिखा हुआ है ऊपर कि 2006 आपका बेस ईयर, 2007 आपका करंट ईयर है, तो P1 एंड Q0 मिड के 2 लेने हैं आपको, तो 1200, 800 और 600, 540, ठीक है बच्चे, समीशन कर दो P1 Q0 का, 1200 प्लस 800 प्लस 1140, 3140, ठीक है बच्चे। और आपको अब क्या चाहिए, P0 Q0, P0 Q0, तो P0 Q0 कहाँ है, फर्स्ट टू 1000, 640, 300, 72, 720, ठीक है। अब क्या चाहिए, P1 Q1 लास्ट के 2, ऐसे माइंड में सेट कर लिया करो लास्ट के 2, तो सीधा चलता रहेगा आपका, क्लियर है, 180, 1800, 1000, 720, 33 × 18, 594,
ऐड करते हैं, पहले इसको भी ऐड कर लो आप, इसे ऐड नहीं करा हमने, पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो को 1000 प्लस 640 प्लस 300 प्लस 720, तो क्या है हमारे पास में 2660। ठीक है, अब पी वन क्यू वन का समीशन करते हैं, समीशन पी वन एंड क्यू वन 1800 प्लस 1000 प्लस 720 प्लस 594 4114। ठीक है बच्चे, जो चीज़ फाइंड करनी है सब कुछ है हमारे पास में, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। पी ज़ीरो वन इक्वल्स टू पी वन क्यू ज़ीरो 3140 अपॉन 2660। ठीक है, प्लस पी ज़ीरो, ये भी निकालना भी हमें, पी ज़ीरो क्यू वन, पी ज़ीरो क्यू वन लास्ट टू 1500 800 और 150 से 360 33 × 24 हाँ जी, अब देखो जरा सम करेंगे यहाँ पर आप, पी वन क्यू वन, तो पी वन क्यू वन क्या है आपके पास में, पी वन क्यू वन, पी वन क्यू वन क्या है आपके पास है समीशन इसका 4114, पी ज़ीरो क्यू वन 792 प्लस 360 प्लस देख लेते हैं पहले 33 × 24 792 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 1500, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, समीशन पी ज़ीरो क्यू वन इक्वल्स टू 3452। सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर 3452, पी ज़ीरो वन इक्वल्स टू 3140 डिवाइडेड बाय 2660 अपॉन 2 × 100 करना है। क्लियर है बच्चे, तो क्या है मेरे पास में 1.180 प्लस 4114 डिवाइडेड बाय 3452 1.191 अपॉन 2 × 100 प्लस 1.180, ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय 2 × 100। सॉल्व करेंगे हम 18.58 दिस वन, ये समझ में आ गया आपको बच्चे? नो सर बोल रहे, अच्छा ठीक है, कोई डाउट का रिप्लाई दिया होगा आपने, दिया अरोड़ा, हाँ जी। अब आपके पास में बच्चे एक डॉर्विश एंड बाउली मेथड भी हो गया, ठीक है बच्चे, वालिश मेथड जिसके अंदर आपके सिमिलर लगाओगे क्या पी वन पी ज़ीरो, बस यहाँ पे आप जो है वाल्श में क्या कर दोगे, आप क्वांटिटी का आप अंडर रूट कर देंगे क्या क्यू ज़ीरो क्यू वन एंड क्यू ज़ीरो क्यू वन। क्लियर है बच्चे, देखो दिखाता हूँ मैं मेथड आपको, ये तो एक तो क्वांट पहले इसको कैसे लेना है आपको, ट्रीट कैसे करना है, क्वांटिटी का मल्टीपल करो
क्लियर है बच्चे? और उसका रूट निकालो, फिर उसको P1 से मल्टीप्लाई करो। एक अलग क्वेश्चन होगा किसमें, मैं तो मैं को यही सिंपल एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तो कर दिया मैंने। अब इसके लिए तो एक अलग पेज चाहिए मुझे, इस पेज पे तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है बच्चे, वाल्श मेथड कर लोगे, क्या करना है मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखो पहले काम क्या है कि आपको सबसे पहले अपने कॉलम में Q0 Q1 का एक कॉलम बनाना है, बना लोगे। उसके बाद फिर आपको इनका रूट का एक कॉलम बनाना होगा, क्योंकि इनका रूट करना है, कर लोगे। अब रूट करने के बाद फिर उसके बाद P1 से मल्टीप्लाई कर देना जो आपने रूट किया है, ये कॉलम आ गया, उसका फिर आप ऐड कर देना। फिर उसको आप एक बार क्या करना, P0 से मल्टीप्लाई कर देना सेम जो आपने कॉलम बनाया, फिर उसका भी आप क्या कर देना, एक बार टोटल कर देना। क्लियर है बच्चे? तो समीशन आ जाएगा, डिवाइड करके इंटू 100 कर देना। ये मेरे पास में प्रॉपर पेज होता तो मैं भी आपको करके दिखाता क्वेश्चन। इफ द रेशो बिटवीन द लेस पेयर एंड पाशेन, इफ द रेशो बिटवीन द लेस पेयर एंड द पाशे इंडेक्स नंबर इज द 23 or 27, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। करना क्या है इसमें आपको, आपको दोनों के रेशियो को इक्वल कर देना है। देखो 2019 में आए, दिल्ली बीकॉम ऑनर्स में आए। ठीक है, करवाऊं बच्चे क्वेश्चन? चलो कर लेते हैं। बेस ईयर है तो P0 नाम देंगे, Q0 नाम देंगे, P1 एंड Q1। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है किसका, लेस पेयर एंड पाशे, और वो रेशियो क्या है हमारा, 28:27। लेस पेयर क्या है, लेस पेयर हमारे पास में समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0। ठीक है, इंटू 100 अपॉन रेशो 500 Q1। हंड्रेड से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, समीशन P1 एंड Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय, रेसिप्रोकल होगा ना आपका, समीशन P0 अपॉन Q1 और समीशन P1 इंटू Q1, इससे और एक फसल क्या आया आपका, 28:27 आया। ठीक है, क्लियर है बच्चे? P0 Q1 ऊपर आ गया था। ठीक है, अब आपको आपके पास में क्या क्या आपके पास में होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कॉलम कुछ क्रिएट कर लें चारों के लिए। एक में आप रख देना, देखो बच्चे P1 Q0। ठीक है, तो P1 and Q0 मिड का टू करेंगे, क्या जाएगा 20 and 5 into x 5x, ऐड करेंगे समीशन P1 Q0 20+5x। एक निकालना है P0 and Q0 P0 Q0 स्टार्टिंग का 10 and 5 समीशन P0 Q0 15। ठीक है बच्चे, क्लियर है? एंड आपको थर्ड निकालना है P0 Q1 लास्ट टू 5 and 2
समीशन ऑफ पी जीरो क्यू वन सेवन एंड पी वन क्यू वन, पी वन एंड क्यू वन लास्ट टू टेन और टू एक्स, समीशन ऑफ पी वन क्यू वन इक्वल्स टू टेन प्लस टू एक्स। रिप्लेस करते हैं बच्चे इस चीज को, हम समीशन पी वन क्यू जीरो ट्वेंटी प्लस फाइव एक्स, पी जीरो क्यू जीरो फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय पी जीरो क्यू वन सेवन एंड पी वन क्यू वन टेन प्लस टू एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी एट बाय सेवन। ठीक है बच्चे, अब सॉल्व करेंगे इसको आप, तो पहले सेवन से मल्टीप्लाई होगा ये वन फोर्टी, ठीक है, और प्लस थर्टी फाइव एक्स यानी फिफ्टीन मल्टीप्लाई करेगा इसको, है ना, जैसे ऐसे मल्टीप्लाई होंगे ना ये वन फिफ्टी प्लस थर्टी एक्स ट्वेंटी एट बाय सेवन। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई वन फोर्टी प्लस थर्टी फाइव एक्स सेवन इक्वल्स टू ट्वेंटी एट वन फिफ्टी प्लस थर्टी एक्स। सॉल्व करेंगे वन फोर्टी मल्टीप्लाई बाय सेवन नाइन एट्टी प्लस थर्टी फाइव इंटू सेवन टू फोर्टी फाइव एक्स वन फिफ्टी इंटू ट्वेंटी एट फोर टू डबल ज़ीरो प्लस थर्टी इंटू ट्वेंटी एट एट फोर्टी एक्स। क्लियर है बच्चे, कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे हमारे से। सर क्लास में और बैच एनरोल नहीं है। बच्चे बहुत बच्चे एनरोल्ड हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं 1.0। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? बस मिस्टेक कहाँ करा था हमने, हमने मिस्टेक यहाँ करा था कि 28 और पाई 27 था ना, गलती से हमने यहाँ पे 7 ले लिया था, ये गलती थी हमारी। इसको आप क्या कर लो 27 कर लो। अब आप सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन आपके पास में ये आ जाएगा, और उसके बाद आप x में से x वाले टर्म माइनस करोगे 105x एंड नंबर से नंबर 420x इक्वल्स टू 4 एंड आपके पास में क्या आंसर आ गया, आपके पास में बच्चे 4 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे आप कंटिन्यू करेंगे, आपका सारे मेथड हो गए, अब ये आपका बीकॉम ऑनर्स 1992 2005 2007 13 चार बार आ गया क्वेश्चन आपके पेपर में, और है कुछ नहीं, आपको जो डेटा है वो दिया हुआ है पी जीरो क्यू जीरो ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्लास में हम वेटेड मेथड करेंगे। क्लियर है बच्चे? मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।